हेलो दोस्तों नमस्कार वेलकम टू सक्सेस कैरियर सक्सेस कैरियर के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं तो दोस्तों आज हम ये हमारा सातवां क्लास है जो कि इलेक्ट्रिशियन फुल कोर्स आपका चल रहा है एल पी टेक्नीशियन के लिए और हमारा जो अभी अभी तक जो छः वीडियो बन चुका था जिसमें छः क्लास हमने लिया था विद्युत की मूल अवधारणा से और उसी का आज हम उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे या क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि आरआरबी लोको पायलट का हुआ DMRC, या टेक्नीशियन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मेट्रो मेन्टेन्ट में डीएमआरसी एलएमआरसी या एनएमआरसी बीएमआरसी uh, वगैरह ठीक है या यूपीटर पॉलिसी ट्यूबल ऑपरेटर का होता है या सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का तो जितना भी ये टेक्निकल एग्जाम जो कि इलेक्ट्रिसियन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछा गया है और कौन से चैप्टर से तो बोले तो विद्युत की मूल अवधारणा से उसका हम आज क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे और आप लोगों को बिल्कुल एकदम अपना हंड्रेड परसेंट आपको दिया जाएगा और बिल्कुल आप लोग ध्यान से इस चीज़ को आप लोग समझेंगे हम आशा करते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आएगा और तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन uh, uh, करने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा uh, अभी अभी तक जो भी हमने छः क्लास लिया है इसका थ्योरी का uh, उसमें अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे तो इसमें जा कर के uh, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग उस वीडियो को पूरा थ्योरी को आप लोग देख लेंगे और देखने के पश्चात जो है uh, ये जो हमारा अभी जो चलेगा क्वेश्चनों uh, का जो भंडार चलेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है uh, चल uh, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा तो चलिए हम बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं देखिए दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे देगा फिगर में ठीक है फिगर में कुछ ऐसा दे देगा कि देखिए ये जो है एक स्टार कनेक्शन है ठीक है ये कैसा कनेक्शन है स्टार कनेक्शन है स्टार कनेक्शन अब स्टार कनेक्शन को चेंज करना है किस में डेल्टा में डेल्टा में ठीक स्टार से डेल्टा में ठीक है तो स्टार से डेल्टा में, तो में जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से जो है डेल देखिए डेल्टा तो ऐसे हो जाएगा भाई इसको चेंज करेंगे तो ऐसे बनेगा ठीक तो डेल्टा में ऐसे बनेगा तो ये मान लीजिए कि ये प्रतिरोध है ये आर टू है ये आर थ्री है इन तीनों प्रतिरोध का वैल्यू क्या होगा हम इससे लाएंगे ठीक है तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो दोस्तों हम थ्योरी में बताए थे कि अगर स्टार से डेल्टा बनाते समय क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि देखिए अगर इसके परिप्रेक्ष्य में 10 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लगा है 10 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लगा है ठीक तो इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए ठीक है तो यहाँ पे ऐसे अगर हम करें एक प्रतिरोध यहाँ पे लगेगा डेल्टा बनाते समय डेल्टा बनाते समय यहाँ पे एक प्रतिरोध आएगा फिर एक यहाँ पे आएगा ठीक और फिर एक ये यह, यहाँ से समझिएगा तो अब ये ये जो कनेक्शन हुआ है ये डेल्टा में हो गया यानी कि ये ऐसे रूप में हो गया यानी कि R1, R2, R3। तो हम एक एक करके R1, R2 और R3 का वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों देखिए कैसे हम इसको निकालेंगे तो आप अब लोगों ने क्या पढ़ा था कि R1 वन इक्वल जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू निकालना है हमको इसका निकालना है ये आर है आर टू है और ये आपका आर थ्री है ठीक आर वन आर टू और आर थ्री तो आर वन का मान सबसे पहले लिखिए आर वन इक्वल टू आर वन इक्वल टू मतलब किसका अगर इसका निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे पहले भाई तो इसका निकालने के लिए जो ये दिया रहता है कि इसका मान लीजिए कि इस पर इसके इन इस दोनों के परिप्रक्ष्य में इसको निकालना है तो ये दस ओम और ये दस ओम तो क्या लिखेंगे यहाँ पे दस प्लस दस ठीक है और फिर प्लस में दस गुड़े दस यानी क्या कि दस ओम दस ओम इन दोनों का क्या योगफल और फिर प्लस इन दोनों का गुणनफल अब बटे में क्या जो जो शेष बचा है क्या चीज़ जो शेष बचा है तो शेष कौन सा बचा है ठीक इसके अपोजिट साइड में ये पाँच ओम का तो बस यहाँ पे पाँच ओम कर दीजिए क्या कर दी यहाँ पे पाँच ओम कर दीजिए तो भाई इसका वैल्यू फिर यहाँ से क्या आएगा हमारा आ जाएगा क्या दस दस बीस और प्लस ये पाँच दोनों का दस और दो दहा में बीस ठीक है तो बीस बीस कितना हो जाएगा चालीस चालीस ओम आ जाएगा ठीक है यानी कि आर वन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा चालीस ओम आ जाएगा ठीक है क्या आएगा चालीस ओम आ जाएगा वैसे ही अगर बात किया जाए देखिए इसका क्या आ गया चालीस ओम आ गया अब आर टू का सेम ऐसे ही करेंगे आर टू का आर टू के लिए क्या करेंगे कि हमको आर टू निकालना है तो देखिए अब इसमें देखिए ये क्या, ये जो है कितने ओम का प्रतिरोध है भाई दस ओम का प्रतिरोध है और ये पाँच ओम का है तो बस हम यहीं पर देखिए आप लोग बता देते हैं दस ओम का एक है दस ओम का प्लस ये आर टू के लिए आ रहा है दस ओम का है एक पाँच ओम का है और प्लस दस गुड़े पाँच और बटे में बचेगा कितना देखिए ये छोड़ दिए मतलब इसको इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो तीसरा बच रहा है तो बटे में दस ठीक है तो देखिए दस पाँच पंद्रह और ये दस से दस कट जाएगा बचा पाँच और पंद्रह पाँच सॉरी पंद्रह और पाँच ये प्लस का चिन्ह है तो पंद्रह और पाँच बीस ओम कितना आ जाएगा बीस ओम आ जाएगा यानी कि आर टू का भी वैल्यू निकल गया अब देखिए बचा आर थ्री ये हमारा क्या है आर थ्री यानी कि इसका वैल्यू निकालना है तो हम इसके परिप्रेक्ष्य में लेंगे तो देखिए ये दस ओम और ये पाँच ओम ठीक है ये दस ओम और ये पाँच ओम तो दस ओम प्लस पाँच ओम प्लस दस और गुड़े पाँच बटे में क्या बचा है देखिए भाई इसके तो अकेले ये बचा है दस तो ये हो जाएगा दस दस से दस कट जाएगा तो यहाँ पे दस पाँच पंद्रह और तो पंद्रह पाँच बीस हो जाएगा बीस ओम इसका भी यानी कि आर थ्री का मान भी क्या निकलेगा ये आर टू का था ये आर थ्री का मान हमारा बीस ओम निकलेगा तो ऐसे जो है हम स्टार से डेल्टा बनाते समय इन प्रतिरोधों का जो है वैल्यू निकाल पाएंगे तो बिल्कुल आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा इसको नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक तो था ये स्टार से डेल्टा अब हम एक क्वेश्चन बताते हैं डेल्टा से स्टार ये क्या था स्टार से डेल्टा था अब हम से इस, 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 डेल्टा से स्टार के सॉरी डेल्टा स्टार से डेल्टा था और अब डेल्टा से स्टार की तरफ चलते हैं ठीक है अगर कोई डेल्टा के रूप में दिया हो उसको स्टार कैसे बनाना है स्टार कनेक्शन कैसे करना है तो हम उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं तो देखिए दोस्तों ये हमारा है डेल्टा से स्टार क्या है डेल्टा से डेल्टा टू स्टार कनेक्शन ठीक है अब देखिए ये हमारा ये डेल्टा के रूप में दिया है ऐसे क्वेश्चन ठीक दस ओम का प्रतिरोध लगा है यहाँ पे पाँच ओम का ये बीस ओम का लगा है और जो है इसमें हमने ये क्या चीज बनाया स्टार के रूप में इधर बना दिया है ये आर वन ये आर टू और ये आर थ्री चलिए हम इसको बाहर बना लेते हैं इस चित्र को इस डायग्राम को हम ऐसे बना लेते हैं इस रूप में हमको लाना है ये मान लीजिए R1 लाएंगे हम लोग ये R2 लाएंगे ये R3 लाएंगे ठीक है तो चलिए करते हैं इसको सबसे पहले हम R1 का वैल्यू लाएंगे क्या लाएंगे R1 का वैल्यू तो R1 इक्वल टू हमने थ्योरी में बताया था ठीक है तो देखिए जैसा हमने बताया था हम वैसे ही करेंगे बिल्कुल तो ये R1 का देखिए इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में ये R1 का वैल्यू निकालना है ठीक है अब ये R1 ये वाला है ठीक तो ये देख रहे हैं बीच में जा रहा है तो इस इस वाले के जो ये प्रतिरोध लगा है इसके अगल बगल में कौन सा प्रतिरोध लगा है दस ओम का और पांच ओम का तो बस सीधी सी बात है दस गुड़े पांच ओम कर दीजिए अब बटे में क्या करना है ये टोटल का योगफल जो है क्या करेंगे हम टोटल का योगफल कर लेंगे तो चलिए कर लेते हैं दस ओम प्लस पाँच ओम और ये क्या है बीस ओम ठीक इसको चलिए सॉल्व करते हैं दस गुड़े पाँच और बटे में दस पाँच पंद्रह और बीस पैंतीस काट दीजिए पाँच सत पैंतीस ये आ जाएगा दस बटा सात ओम यानी कि ये आर वन का वैल्यू क्या आ जाएगा ये दस बट सात ओम ठीक है अब वैसे ही आर टू का वैल्यू लाएंगे कैसे आर टू का हमको लाना होगा तो कैसे करेंगे आर टू इक्वल टू क्या होगा देखिए R2 का वैल्यू के लिए सेम वही चीज करेंगे इसके अगल बगल में देखेंगे क्या है पाँच पांच ओम और बीस ओम तो बस पांच बुढ़े बीस कर लीजिए और बढ़ते में तीनों का योगफल है तीनों का योगफल अभी हमने ऊपर किया क्या पैंतीस पैंतीस कर लीजिए पाँच सात है पैंतीस पाँचों का बीस और चार पाँचे बीस बीस बटे सात ओम ठीक है आगे थ्री, ये थ्री है थ्री का वैल्यू कैसे आएगा तो थ्री का वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे कि ये आर्थी आर थ्री दिया है तो इसके अगल बगल में क्या है दस ओम और बीस ओम का प्रतिरोध बस दस गुड़े बीस कर लीजिए और बटे में सबका योगफल यानी कि योगफल क्या रहेगा यहाँ पर पैतीस आ रहा है तो पैंतीस कर दीजिए पाँच सात है पैंतीस और ये पाँच चौ का बीस दस चौका चालीस बटे सात ठीक है चलिए इसको नोट कर लीजिए ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए दोस्तों एक आपका यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है इसमें देखिए इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि एक प्रतिरोध छः ओम का छः ओम का लगा है यहाँ पे, पाँच ओम का लगा है यहाँ पे, बीस ओम का प्रतिरोध ये है ये बारह ओम का और ये दस ओम का इस टाइप का कुछ फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे आपका ये हंड्रेड वोल्टेज ये जा रहा है आपका ये अंतर है आपका और ये आई जो है इसमें करंट आई प्रवाहित हो रही है इसके थ्रू अब इसमें क्या कह रहा है कि पूछ रहा है कि प्रतिरोध आर ए बी यानी कि ए से बी तक के पूरे तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है और इसमें आई जो करंट बह रहा है आई का वैल्यू पूछ रहा है कितना बह रहा है उसमें ठीक है ये दो चीज़ हमको निकालने के लिए देखिए अगर ऐसा फिगर जो है क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है और इसमें से तुल्य प्रतिरोध टोटल पूछ रहा है ए और बी के बीच का और आई का वैल्यू पूछ रहा है यानी कि धारा का मान पूछ रहा है प्रतिरोध का मान भी पूछ रहा है और धारा का मान पूछ रहा है तो दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है कि एक त्रिभुजाकार जैसा ऐसे टाइप का आपको दिख रहा है और देखिए इसमें इस टाइप को हम अगर हम बाहर खोले इसको कुछ हम दूसरा शेप दे ठीक है तो देखिए हम इसका शेप कैसे हम दे सकते हैं अगर हम इसको ऐसे बनाया इस फिगर को ध्यान दीजिएगा इस टाइप में अगर इसको बनाते हैं ठीक और एक हमारा ये जाएगा ये ऐसे गया आपका ओके अगर हम इसको फैला देंगे देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा और ये ऊपर इसको अगर नीचे थोड़ा फैला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये ओम है पाँच ओम है ये ओम हो जाएगा ये पाँच ओम का हो जाएगा अब बाकी बचा ये बीच वाला तो बीच वाला ये ये रहा आपका ठीक तो ये कितने का है बीस ओम का है ओके बाकी बारह ओम दस ओम ये बारह ओम का है और ये क्या था दस ओम का ओके अब यहाँ पे जो है आई ज इसमें आई करंट प्रवाहित होने के लिए और जो हमारा लगा है वोल्टेज स्रोत उसके लिए क्या है यहाँ पे देखिए आपका सौ वोल्ट का लगा है ये ठीक दिख रहा है ना सौ वोल्ट का ओके अब यहाँ पे सौ वोल्ट का लगा है और यहाँ पे आई जो है प्रवाहित हो रही है इस परिपथ में धारा तो थोड़ा इस फिगर से आपको दिख रहा होगा कि इस फिगर से बनाते समय हम ये फिगर जब बनाए हैं इसको ऐसा बनाए हैं तो आपको कुछ ऐसा फिगर से क्या दिमाग पर आ रहा है कि ये कैसा फिगर बन रहा है क्या है क्या चीज़ यहाँ पे दिख रहा है आपको आपको थ्योरी क्लास में हमने ये बताया था कि विट स्टोन ब्रिज विट स्टोन सेतु क्या उसी टाइप का ये दिख रहा है बिल्कुल टाइप तो वही दिख रहा है लेकिन क्या बैलेंस है कि नहीं इसको हम पहले देख लेते हैं ठीक है देखिए यहाँ पे छः ओम का प्रतिरोध लगा है उधर पाँच ओम का लगा है ये बारह ओम का ये दस ओम का ठीक है अब इसमें हमको क्या करना है कि देखेंगे अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि इसको हम पी प्रतिरोध मान रहे हैं और ये क्या है आपका Q है तो भाई ये P है ये Q है तो ये आपका जाहिर सी बात है कि ये R होगा ये S होगा ये विट स्टोन ब्रिज के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं P, Q, R, S। तो इस P, Q, R, S को दर्शाने के बाद हमारा जो विट स्टोन ब्रिज का बैलेंस है वो क्या होता है P बाई आर देखा मैं इधर समझा लेता हूँ P बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस पी बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस तो पी बाई आर यानी कि छ बटे बारह छ बटे बारह इक्वल टू पांच बटा दस पांच बटा दस ठीक है देखिए 6 दूनी का बारह कट गया पांच दूनी का दस ये भी कट गया यानी कि एक बटे दो बराबर एक बटे दो यानी कि ये बैलेंस है क्या है विट स्टोन भाई ये बैलेंस है यानी कि बैलेंस्ड है विट स्टोन ब्रिज पे ही भी काम कर रहा है अब ये बैलेंस है तो देखिएगा अगर ये चारों प्रतिरोध को कैलकुलेशन करने के बाद जब ये बैलेंस है तो इस पूरे ये जो एक आपका ये बन रहा है सर्किट अब इसके बीच में कितना हो ओम का अगर प्रतिरोध है तो इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा ख़त्म हो जाएगा ये ज़ीरो हो जाएगा कोई मतलब ही नहीं है ठीक है तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा यहाँ से तो बस हमारा क्या बचेगा ये ये चीज़ बचेगा ठीक उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें कि जब ऐसा हो जा ऐसा हो जाने के बाद आगे हमारा प्रक्रिया करेगा क्योंकि हमको निकालना तुल्य प्रतिरोध तो देखिए अब इस चित्र को हम आगे बढ़ाएंगे ये तो हट गया हम इसको आगे इसके इसके जो है इसके बाद हम आगे फिगर को बनाते हैं आपको समझ में आएगा तो मैं इसके लिए पहले हम इसको मिटाना पड़ेगा तो हम पहले इसको मिटा लेते हैं फिर आगे हम करते हैं ठीक है तो देखिए हम इसको मिटा लेते हैं आप उसको जो है पॉज करके देख लीजिए चलिए हम इसको मिटाना तो नहीं पड़ेगा इधर काफ़ी जगह है तो हम इधर बना देते हैं अब इस चीज़ को इस चीज़ को हम पूरे चीज़ को हम यहाँ पे बना रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा अब देखिए ये जो प्रतिरोध लगा हुआ है ये तो निगलैक्ट हो गया भाई ठीक अब ये दो दो चार प्रतिरोध इधर लगा हुआ है चलिए हम इसको ऐसे बना देते हैं ऐसे एक प्रतिरोध यहाँ पे लग गया कितने ओम का है भाई कितने ओम का है देखिए छओ ओम का और ये पांच ओम का लिखते चलते हैं ओम और इधर एक लगाते हैं ये पांच ओम का ठीक बाकी देखिए नीचे देखिए भाई ये तो सीरीज में है ना देखिए ये तो सीरीज में है तो हमने सीरीज में कर दिया और नीचे देखिए ये भी सीरीज में है बारह ओम दस ओम का तो हम इधर कर देते हैं बारह ओम ये बारह ओम और ये दस ओम का वोल्टेज स्रोत भाई लगा है इसमें ना चलिए वोल्टेज स्रोत लगा देते हैं इधर से ये सौ वोल्ट की बैटरी चाहे जो भी है वोल्टेज स्रोत लग गया और यहाँ पे आई करंट पर। तो हमें तो तुल्य प्रतिरोध आर ए भी निकालना था ये हमारा मान लीजिए ये इसके इसके बीच में हमारा ए भी निकालना था तुल्य प्रतिरोध निकालना था आर ए ठीक है ये हमारा यहाँ पे क्या था आर ए था ये ए भी। ए पी ठीक अब यहाँ से क्या निकलेगा कि जब हमारा ये सीरीज में है तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी चीज़ है सीरीज में है तो क्या करते हैं सीरीज में क्या है आर वन आर इक्वल टू यानी कि आर इक्वल टू क्या होता है आर वन प्लस आर टू होता है आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू तो डायरेक्टली हम इसको ऐड कर देंगे छः पाँच एक ग्यारह तो एक फिगर हमारा बनेगा देखिएगा ऐसे फिगर बनेगा हमारा भाई छः पाँच एक ग्यारह और ये भी सीरीज में है तो ये बारह और दस बाईस ये ऊपर हो जाएगा ग्यारह ओम और एक नीचे हो जाएगा इधर क्या बारह दस बाईस ओम ठीक है ये होने के बाद यहाँ पे फिर एक भाई वोल्टेज स्रोत रहेगा ही लगा देते हैं यहाँ पे सौ वोल्ट का एक ये सौ वोल्ट का हो गया ये आई धारा बहेगी इसमें तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा ये सौ वोल्ट है अब ये देखिए समांतर में जुड़ा हुआ है ये चीज समांतर में इस फिगर में दिख रहा है समांतर में है तो समांतर के लिए मैं बताया था क्या कि आर का मान समांतर के लिए क्या होता है इस इस, इस, इस इसका वैल्यू जो होगा इसका तुल्य प्रतिरोध होगा क्या तो मैं बताया था कि दोनों का योग इसे मान लीजिए कि ये है आर वन सॉरी गुणा मल्टीप्लाई आर वन इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू अरे आर वन गुड़े आर टू बटा आर वन प्लस आर टू तो बस सीधी सी बात है रख लीजिए इधर क्या ग्यारह गुड़े बाईस और बटे में ग्यारह प्लस बाईस यानी कि निकलेगा यहाँ से ग्यारह गुड़े बाईस बटे में ये नीचे हो गया तैंतीस ये कट जाएगा ग्यारह तीर तैंतीस तो बाईस बटा तीन बाईस बटा तीन ओम का आएगा इसका आर ए बी निकलेगा यानी कि तुल्य प्रतिरोध आर ए बी इक्वल टू हमारा बाईस बटे तीन ओम निकलेगा, ठीक है तो भाई इस फिगर में हमारा फाइंड आउट हो गया ये आर ए बी आर ए बी कितना निकला है हमारा बाईस बटे तीन ओम बाईस बटे तीन ओम अब क्या बचा है अब बचा है आई यानी करंट अब इस परिपथ में जो है आई का वैल्यू तो भाई जब हमारा यहां पे आ गया प्रतिरोध का वैल्यू आ गया तो हम आई निकाल लेंगे कैसे निकालेंगे वोल्टेज तो वो सौ वोल्ट दे दिया तो वही यहाँ पे ओम का नियम लगा लीजिए दिख रहा है ना उधर आगे हम कर देते हैं देखिए भी इक्वल टू आई इन टू आर क्योंकि हमको यहाँ ये यह जो आई दिया है इसका जो है वैल्यू निकालना है आई का भी हमारा देखिए सौ बोल्ट दिया है ऑलरेडी पहले से सौ बोल्ट दिया है और आर हमारा निकल ही गया है तो भी में भी का वैल्यू हम रख देंगे सौ और ये आर जो है आर इधर बटे में आ जाएगा तो आर का मान हमने क्या निकाला है बाईस बटे तीन देखिए बाईस बटे तीन आई इक्वल टू ये आई करंट ठीक तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा ये ये तीन सौ बटे में बाईस इक्वल टू आई आई का वैल्यू निकल रहा है इसको काट दीजिए ग्यारह ये हो जाएगा डेढ़ सौ एक सौ पचास बटे ग्यारह एम्पियर क्या हो जाएगा ये इसको पॉइंट में ला लीजिएगा ठीक एक सौ पचास बटे ग्यारह एम्पियर का इस पूरे परिपथ में करंट जाएगा किसके सो वोल्ट के थ्रू कितने एम्पियर का जाएगा एक सौ पचास बटे ग्यारह एम्पियर का यानी कि ये आई का जो वैल्यू हमारा आया है यहां क्या आया है वो आया है एक सौ पचास बटे ग्यारह ठीक है एक सौ पचास बटे ग्यारह एम्पियर इसमें धारा बहेगी तो ये चीज आपको बिल्कुल आ, मतलब नोट कर लीजिए और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा ठीक है तो चलिए नोट कर लीजिए इसको चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके पास ये आपका एक फिगर दिया हुआ है ठीक है ये आपका एक डायग्राम दिया गया है दस ओम का चार ओम का और पांच ओम का दो ओम का चार प्रतिरोध इस प्रकार से कुछ लगाया गया है और इसको शॉर्ट सर्किट किया गया है देख रहे हैं ओके अब इसमें क्या कह रहा है कि ये ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है आपको आर ए बी निकालना है ओके आर ए बी का वैल्यू जो है ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन है बीस बटे बी ऑप्शन है दस बटे सी ऑप्शन है तीस बटे और डी है जीरो ओम तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये इसका वैल्यू क्या होगा आर ए बी का वैल्यू क्या आएगा ठीक है ठीके? तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि इस फिगर को हम इसको चेंज करेंगे दूसरे वे में लाने के लिए हम ए बी के रूप ए बी का क्योंकि हमको निकालना है ए बी का प्रतिरोध ए और बी के ए के ए और बी का तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो हम बनाएंगे क्या देखिए पहले हम इस दो चीज को लेकर चलेंगे तो इसका फिगर ऐसे बनेगा कुछ एक प्रतिरोध यहां पे लग गया एक प्रतिरोध ऐसे लग गया ठीक और ठीक नीचे वाला के लिए ये लगेगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है शॉर्ट सर्किट हुआ है ठीक और ये आप रहा है तो देखिए ये दस ओम का दिया है वो चार ओम का दिया है दस ओम चार ओम और पाँच ओम दो ओम तो हमारा जो है कि ये ए है और ये बी है तो यहाँ पे ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा तो इसी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो ये हम लिख लेते हैं दस ओम चार ओम अब ये पाँच ओम और ये दो ओम ओके अब देखिए ये जुड़ा हुआ है पैरेलल में समांतर में जुड़ा हुआ है तो हमने समांतर के लिए बताया था कि जब दो प्रतिरोध इसे दिया हो समांतर में तो डायरेक्टली हम कर देते हैं देखिए ऊपर गुणा नीचे जोड़ तो ऊपर उप, गुणा कर लीजिए आर का वैल्यू कैसे निकलेगा दस का चालीस और दस चार चौदह दस और चार चौदह काटिए इसको दो सत्य चौदह दो पच्चीस दस बीस बटे सात बीस बटे सात इसको करते हैं वैसे ही होगा आर का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा पाँच गुड़े दो बटे पाँच आ, बटे सा, पाँच दो सात ठीक है पाँच दो सात तो पाँच दुनिया का दस बटे सात यह आ जाएगा अब देखिए इसका अब हम ये ऐसा करेंगे तो एक ऐसा बन जाएगा आपका सीरीज में बन जाएगा ये ए और ये बी हो जाएगा ठीक तो एक का क्या है बीस बटे सात ओम एक का क्या है दस बटे सात ओम आज सीरीज में जब दे दिया या, तो सीरीज में कनेक्शन के लिए क्या बताया था कि आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू बस जोड़ दीजिए तो आर इक्वल टू क्या निकलेगा दस बटे सात प्लस बीस बटे सात तो ये दो देखिए दोनों क्या है हर बराबर है तो बस जोड़ दीजिए दस बीस तीस बटे सात ओम तो इस आर ए बी का जो हमारा तुल्य प्रतिरोध का वैल्यू जो है कितना आया तीस बटा सात ओम तो देखिए ऑप्शन में तीस बटा सात ओम सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो तीस बटे सात ओम ठीक है चलिए नोट कर लीजिए इसको आ, चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्तों ये आपका एक क्वेश्चन रहा थ्योरी में एक मैं नया चीज़ इसमें ऐड कर रहा हूँ जिसमें इस वीडियो में आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ ये हमने एनालिसिस करके देखा तो इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ था तो सोचा मैं इसको भी डाल दूँ तो चलिए पहले मैं इसको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है पहले हम प्रश्न की तरफ देखते हैं लिखा है कि किसी चालक का प्रतिरोध जीरो डिग्री सेल्सियस पर कोई चालक है उसका प्रतिरोध जो है जीरो डिग्री सेल्सियस पर दस ओम है जीरो डिग्री सेल्सियस पर दस ओम है तथा जीरो डिग्री सेल्सियस पर ही तापमान गुणांक टेम्परेचर कॉफिशेंट जो है वो क्या है जीरो दशमलव जीरो, जीरो 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 एक पाँच प्रति डिग्री सेल्सियस ठीक है मतलब कि इसका जो है प्रति डिग्री सेल्सियस ठीक है तो 20 डिग्री सेल्सियस पर बोल रहे हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए ठीक है तार का या चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए तो देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन दिया हो ठीक है ऐसा क्वेश्चन दिया हो तब हम क्या करते हैं देखिए ये एक फॉर्मूला होता है आप लोग ध्यान रखिएगा आर टी इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा इंटू टी ठीक है ये चीज आप लोग ध्यान देना अब देखिए क्या है जो यहाँ पे ये आर तो टी है ये जो है आर टी तो यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध यानी कि जो ये नया पूछ रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध तो ये आर टी का वैल्यू जो है 20 डिग्री सेल्सियस ठीक है ये आर टी का जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध ठीक है और ये आर नाट क्या है तो जीरो डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध तो देखिए जीरो डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दस ओम दिया है और ये टी है नया तापमान तो नहीं नया तापमान क्या है आपका बीस डिग्री सेल्सियस बीस डिग्री सेल्सियस है और ये टेम्परेचर कॉफिशियंट है अल्फा क्या है टेम्परेचर कॉफिशियंट है ठीक है तो चलिए हम बीस डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं यानी कि हम क्या करते हैं आपका आर ज्ञात करते हैं ये हमको ज्ञात करना है यानी कि बीस डिग्री सेल्सियस पर नया प्रतिरोध ज्ञात करना है बीस डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध चलिए हम इसी फार्मूले पर डायरेक्टली रख देते हैं तो हमारा आर टी इक्वल टू दिया हुआ है क्या आर नॉट वन प्लस अल्फा इंटू टी ठीक है तो आर टी का वैल्यू क्या आएगा हमारा प्रतिरोध क्या है आर नाट तो देखिए आर नाट जो है हमारा ये आर नाट है कि जीरो डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध तो भाई जीरो डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है ओम तो बस यहां पे दस रख दीजिए ठीक है अब यहां पे ये वन फार्मूले में है वन प्लस ये अल्फा और अल्फा हमने क्या बताया कि टेम्परेचर कॉफिशियंट है और टेम्परेचर कॉफिशियंट यहां पर देखिए कितना है वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो, जीरो 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 तीन जीरो और एक पाँच ठीक है और ये गुड़े में क्या है टी है और टी है हमारा क्या है देखिए अभी बताया हमने नया तापमान नया तापमान हमारा कितना है भाई बीस डिग्री सेल्सियस नया बस यहाँ पर लिख दीजिए बीस डिग्री बीस से गुड़ा कर दीजिए इसमें ठीक है अब यहाँ से हमारा आर टी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा कि हम इसको पहले गुणा कर लेते हैं भाई यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए एक जीरो से देखिए यहाँ पे क्या होगा एक जीरो से दसमलव हटा लीजिए तो कितना हो जाएगा भाई जीरो दसमलव जीरो जीरो दो जीरो और ये एक पाँच और गुण दो ठीक अब इसको करेंगे तो पंद्रह दूनी का तीस पंद्रह दूनी का तीस तो एक एक जीरो और और कम कर लीजिए तो जीरो दसमलव जीरो तीन जीरो यही होगा ओके अब देखिए प्लस वन कर लीजिए यहाँ पे प्लस वन करने के बाद ये दस यहाँ पे है तो इसमें ऐड करेंगे देखिए यहाँ पे जो है देखिए सॉरी यहाँ पे जो है डबल ज़ीरो रहेगा ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका जीरो दशमलव जीरो जीरो तीन हो जाएगा देखिए मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ जीरो दशमलव जीरो, जीरो जीरो तीन यानी कि देखिए तीस आएगा पंद्रह दोनों का तीस तो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो थ्री अब इसको हम करेंगे तो एक दशमलव जीरो जीरो तीन और यहाँ पे देखिए गुड़े दस ठीक तो इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई दस से तो गुणा करेंगे तो दस दशमलव गुणा करेंगे देखिए दस दसमलव जीरो तीन हो जाएगा ठीक कितना हो जाएगा दस दशमलव जीरो तीन ओम हो जाएगा अब इसको मल्ट ये क्या हो जाएगा इसका आर टी का वैल्यू क्या आएगा दस दशमलव जीरो तीन ओम हो जाएगा चलिए तो हम इसको ऑप्शन में देख लेते हैं ए ऑप्शन में दिया है नौ दशमलव जीरो आठ ओम और बी ऑप्शन दिया है दस दशमलव जीरो तीन यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी तार का प्रतिरोध चार ओम है तथा इसकी लंबाई खींच कर पांच गुना कर दी जाती है तब खींची हुई तार का प्रतिरोध ज्ञात करिए ठीक है आप इसमें देखिए इससे पहले हमारा जो छः वीडियो था उसमें हमने बताया था थ्योरी में कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या होता है इसमें कि कोई चालक दिया हुआ है और उसमें जो है उसको हम खींच करके अगर उसका लंबाई बढ़ाते हैं क्या बताया है हमने खींच करके ना कि जोड़ करके उसको खींच करके ठीक है तो खींच करके अगर बढ़ाया जा रहा है ठीक है किसी तार को खींच के बढ़ाया जा रहा है तो देखिए आर न्यू इक्वल टू यानी कि जो नया प्रत, जो उस खींचे हुआ खींचा हुआ तार जो होगा उसका प्रतिरोध इक्वल टू उसको निकालने के लिए क्या होता है कि एन स्क्वायर एन स्क्वायर यानी का एन का वर्ग अब एन क्या है भाई गुना कितना गुना खींच करके बढ़ाया गया है तो एन स्क्वायर इन टू आर ओल्ड पुराना वाला उसका प्रतिरोध यानी कि बिना खींचा हुआ तार उसका कितना प्रतिरोध तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका देखिए कितना गुना बढ़ाया गया भाई पाँच गुना तो बस कितना कर दीजिए पाँच का स्क्वायर कर दीजिए फिर गुणे में आर ओल्ड प्रतिरोध कितना है पुराने तार का चार ओम है तो बस गुणे में यहाँ पे चार कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा पाँच पच्चीस पच्चीस और गुड़े चार इक्वल टू पच्चीस सौ ओम हो जाएगा कितना हो जाएगा सौ ओम तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपका ए ऑप्शन सही है देखिए सौ ओम ठीक है चलिए इसी पे हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका जो है क्वेश्चन को बिल्कुल अलग कर लेते हैं अब यहां पे था ये तार को खींच करके अब हम खींचेंगे नहीं अब जोड़ेंगे अब क्या करेंगे जोड़ेंगे अगर मान लीजिए किसी तार का प्रतिरोध ओम है तथा इसकी लंबाई जोड़ करके खींच करके नहीं करिए यहां पे जोड़ कर लीजिए जोड़ दी गई है क्या कर दी गई है जोड़ करके जोड़ कर पाँच गुना कर दी जाती है तब जुड़ी हुई तब नया तार तब तार का प्रतिरोध या तार का नया प्रतिरोध या तार का प्रतिरोध देखिए अब क्या बोल रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध चार ओम है तथा इसकी लंबाई जोड़कर पाँच गुना कर दी जाती है भाई खींचा नहीं जा रहा है इसमें दूसरा तार उसमें जोड़ा जा रहा है और पांच गुना कर दी जाती है तब तब इसका क्या होगा तो अब देखिए इसमें फार्मूले में भी वही चीज़ होगा क्या होगा कि आर न्यू इक्वल टू बस यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा बस क्या होगा स्क्वायर हट जाएगा ये क्या हो जाएगा आर ओल्ड ही हो जाएगा ठीक तो स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा आपके देखिए इसको हम पूरा बिता देते हैं ध्यान से देखिए अब एन का कितना है जी एन का मान पाँच है और ओल्ड देखिए एन का वैल्यू कितना गुना है पाँच गुना है तो पाँच कर दिया और आर ओल्ड क्या है चार है बस चार कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा ओम का बीस ओम कितना हो जाएगा बीस ओम इसका प्रतिरोध हो जाएगा ठीक है चलिए तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं देखिए दोस्तों कलर कोड का प्रतिरोध का कलर कोड ठीक है रेजिस्टेंस का कलर कोड से एक क्वेश्चन हम लेते हैं एक दो क्वेश्चन उसको भी हम देख लेते हैं देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इस प्रकार से कलर दे दिया है कि कोई प्रतिरोध है उस पर कलर कोडिंग किया गया है ब्लू ब्लैक ऑरेंज और गोल्ड क्या क्या ध्यान देखिएगा ब्लू बोले तो नीला काला और ये ऑरेंज यानी कि संतरे कलर का और ये सुनहरा ठीक है ब्लू ब्लैक ऑरेंज और गोल्ड अब इस कलर में दिया है जैसे मान लीजिए एक प्रतिरोध इस प्रकार से है तो इसका जो वैल्यू दे दिया आपका ब्लू और ये दे दिया है ब्लैक और इसका क्या दिया है ऑरेंज और इसका क्या दिया है गोल्ड ठीक है ये आपका एक प्रतिरोध हो गया रेजिस्टेंस दिया है रजिस्ट्रेंस दे दिया है और ये यहां पे कलर दे दिया अब पूछ रहा है कि इस रजिस्ट्रेंस का इस प्रतिरोध का वैल्यू क्या होगा कितने ओम का यह प्रतिरोध बन रहा है कितने ओम का प्रतिरोध यह है कलर दे दिया है और कितने ओम का है यह पूछ रहा है ठीक है देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन दिया है छ सौ ओम और त्रुटि में क्या है प्लस माइनस पांच परसेंट बी में दिया है साठ के ओम प्लस माइनस पांच परसेंट सी में दिया है सत्तर के ओम प्लस माइनस दस परसेंट और डी में दिया है साठ के ओम प्लस माइनस बीस परसेंट तो चलिए हम पहले हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों सॉल्व करने से पहले हम ये चीज जानेंगे कि सबसे पहले ये कलर का कोड क्या होता है तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था जब थ्योरी का हमने पूरा क्लास दिया था उसमें हमने बताया था कि इसका क्या कोड होता है कलर कोड क्या होता है तो हमने बताया था क्या हमने बताया था कि जो सबसे राइट साइड में होता है वो टॉलरेंस होता है त्रुटि होता है क्या होता है टॉलरेंस होता है और उसके बाद जस्ट उसके बाद क्या होता है इधर वो मल्टीप्लायर होता है क्या होता है मल्टीप्लायर और उसके बाद क्या होता है सेकेंड डिजिट होता है उससे पहले क्या होता है फिर उसके बाद इधर फर्स्ट डिजिट होता है ठीक इस रूप में होता है और दूसरी बात कि सबसे पहली बड़ी बात है हमारे लिए कि ये ब्लू का कलर कोड क्या होगा क्या कोड होगा तो देखिए एक हमने ट्रिक आपको बताया था शायद आपको याद हो अगर याद नहीं हो तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ वो को, हमारा था वो ट्रिक बी बी रॉय आर ओ वाई बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ ठीक है वेरी गुड वाइफ गोल्ड सॉरी हाँ गोल्ड सिल्वर गोल्ड और ये सिल्वर और ये लास्ट में नो कलर था क्या था नो कलर ठीक अब देखिए बी बी यानी कि बी का यहां पे क्या होगा हमारा पहले बी का मतलब ब्लैक क्या होगा ब्लैक और दूसरे का क्या होगा मतलब ब्राउन क्या हो जाएगा ब्राउन और तीसरे का क्या हो जाएगा हमारा रेड और ये चौथे का ऑरेंज क्या होगा ऑरेंज और इसका क्या होगा येलो क्या होगा येलो होगा और ये जी का मतलब ग्रीन हो जाएगा ठीक है और इसका क्या हो जाएगा ब्लू हो जाएगा बीस ब्लू ये वाइलेट हो जाएगा ठीक क्या हो जाएगा आ, वाइलेट हो जाएगा तो इसका मतलब जी का मतलब ग्रे और डब्ल्यू व्हाइट ठीक बी से ब्लैक बी से ब्राउन आर से रेड ओ से ऑरेंज वाई से येलो जी से ग्रीन और B से फिर ब्लू और वी से वायलट जी से ग्रे डब्ल्यू से वाइट और गोल्ड सिल्वर नो कलर कलर कोड क्या था हमारा जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ठीक है छ सात आठ नौ और हमारा मल्टीप्लायर क्या था भाई तो जीरो के लिए क्या था जीरो भाई पहले के लिए सॉरी पहले पहले का क्या होगा जीरो फिर दूसरे के लिए दस का पावर एक ठीक है दस का पावर एक फिर दस का पावर देखिए इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं ठीक है यहाँ पे क्या होगा दस का पावर जीरो दस का पावर एक दस का पावर दो और दस का पावर तीन दस का पावर चार दस का पावर पाँच ऐसे ही करके नीचे तक अब जो है ये तो आपका मल्टीप्लायर हो गया टॉलरेंस की बात करें ठीक है तो टॉलरेंस जो है होता है ब्लैक के लिए होता है प्लस यहाँ से इसके लिए जीरो और उसके बाद ब्राउन के लिए वन प्लस माइनस वन परसेंट वैसे ही टू परसेंट ऐसे ही थ्री फोर फाइव इस ऐसे और इसके लिए बताएं गोल्ड के लिए तो गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होता है वो पाँच परसेंट होता है और सिल्वर के लिए दस परसेंट और नो कलर के लिए बीस परसेंट ठीक है नो कलर में कितना टॉलरेंस होता है बीस परसेंट चलिए अब देखिए सबसे पहले हमारा कलर क्या है ब्लू है दिया क्या ब्लू अब हम देखेंगे इसमें ब्लू कौन से स्थान पे है तो देखिए ब्लू जो है जीरो ये कौन सा स्थान है देखिए जीरो एक दो तीन चार पाँच छः तो ब्लू जो है छः स्थान पे है छठे स्थान पे तो हम छः लिख देंगे उसके बाद क्या है ब्लैक तो देखिए ब्लैक कौन सा स्थान पे है जीरो यहाँ पे हम जीरो कर देंगे ब्लू ब्लैक और ये मल्टीप्लायर हमने क्या बताया था देखिए फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट और ये मल्टीप्लायर हमने बताया था मल्टीप्लायर तो ऑरेंज तो है तो देखिए ऑरेंज का जो मल्टीप्लायर है वो दस का पावर तीन है तो दस का पावर तीन इसको हम लिख सकते हैं ना एक हज़ार और एक हज़ार को ही हम बोलते हैं के वन के तो भाई ये साठ हो गया तो साठ हो गया तो भाई दस का पावर तीन है तो इसको हम के लिख सकते हैं ठीक तो यानी कि साठ के अब साठ के ओम ठीक अब बाकी क्या दिया है हमारा टॉलरेंस में गोल्ड दिया है तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस हमारा अभी मैंने बताया हूँ कि प्लस माइनस पाँच परसेंट प्लस माइनस पाँच परसेंट ये हमारा जो आया क्या आया प्रतिरोध का इस कलर अगर ये कलर दिया है प्रतिरोध पे ये कलर ब्लू ब्लैक ऑरेंज और गोल्ड तो उस प्रतिरोध का जो वैल्यू होगा अंक में वो होगा साठ हजार ओम यानी कि साठ के ओम प्लस माइनस टॉलरेंस पाँच परसेंट ठीक है कितना हो जाएगा ये आ जाएगा चलिए देखते हैं ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा छः ओम पहले यह गलत है, है और साठ के ओम साठ के ओम प्लस माइनस पांच परसेंट यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है ठीक है ऑप्शन नंबर बीस सही है आशा करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा तो चलिए हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसको नोट कर लीजिए तो दोस्तों चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं देखिए क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है ठीक ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए में कि अनंत है बी में दिया है कि एक मेगा ओम है और सी में दिया है कि एक ओम है और डी दिया है कि शून्य ओम है देखिए ये सब सारा क्वेश्चन हमने पीछे जो है पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा दिया है इस चीज को आप लोग देख सकते हैं जाकर के हमारे प्ले में चलिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं इसको हम हल करते हैं देखिए पृथ्वी का जो प्रतिरोध है वो कितना है अनंत बिल्कुल भी नहीं है एक मेगा ओम वो भी नहीं है और एक ओम वो भी नहीं है देखिए पृथ्वी का जो प्रतिरोध है वो है शून्य है पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है रेजिस्टेंस वो है शून्य है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है वैद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है तो देखिए वैद्युत ऊर्जा की इकाई जो है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी वोल्ट एम्पियर घंटा क्या है वोल्ट घंटा ठीक है चलिए इसका ऑप्शन बी और इसका पहले का ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है तो देखिए विद्युत आवेश का मात्रक क्या है वो चीज देखिए ध्यान से कि Q इक्वल टू आप लोग जानते हैं आई टी तो दो दो मात्रक होगा देखिए एक तो होता है कि डायरेक्टली अगर देखा जाए तो Q आवेश भाई Q होता है तो Q का मात्रक क्या होता है आवेश का मात्रक कुलाम होता है तो ऐसे तो ऑप्शन सी हो जाएगा लेकिन अगर देखा जाए कि गुलाम को और क्या कह सकते हैं तो देखिए आई का मात्रक क्या होता है आई का यानी धारा का एम्पियर होता है एम्पियर और ये टी यानी कि सेकेंड तो कह सकते हैं कि एम्पियर सेकेंड भी होता है किसका मात्रक आवेश का मात्रक ठीक चलिए आगे देखे हैं। एक देखते हैं एक कुलाम बराबर है एक कुल बराबर है तो अभी हमने आपको बताया एक कुलाम बराबर है तो एक कुलाम बराबर देखिए ऑप्शन में दिया है आपका कि एक एम्पियर प्रति सेकेंड तो भाई पहले तो ये बिल्कुल गलत एम्पियर प्रति सेकंड नहीं होगा एक वाट वाट तो आएगा ही नहीं और ये वाट सेकंड आएगा ही नहीं यानी कि देखिए अब हमारा बी ऑप्शन जो है एक एम्पियर इन सेकेंड क्यों क्योंकि क्यू इक्वल टू आई टी से तो भाई ये आवेश है आवेश बराबर है किसके धारा गुड़े समय और धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर और गुड़े ये समय का सेकेंड तो एम सेकेंड हो जाएगा तो ये ऑप्शन आप आपका हो है तो दोस्तों अभी तक हमने जितना क्लास लिया था उससे लगभग हमने सारा क्वेश्चन कवर कर दिया है और हम जो है अब हम नेक्स्ट जो है चैप्टर की तरफ चलेंगे तो हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो हम आपको आपके सामने लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और अभी तक आपको कैसा लगा यह वीडियो और आपको कितना समझ में आया और जो भी आपकी समस्याएं हैं चाहे जो भी आपको समझ में आया जो भी दिक्कतें हैं आप कमेंट बॉक्स बॉक्स में जो है आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जय हिंद